स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि ये जो दीन ए इलाही है ये क्या है और इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये सवाल मैंने 3 मार्क्स के नंबर के लिए तैयार किया है, तो अगर ये 3 नंबर के लिए पूछा जाता है तो आप ये पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब कैसे लिखेंगे? सवाल का जवाब लिखेंगे कि विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद की खाई को भरने के लिए अकबर ने 1582 में नया धर्म दीन ए इलाही चलाया था। यह एक ईश्वर का मतलब होता है एक भगवान में विश्वास करता था, और इसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्व समाहित थे, यानी जितने भी अच्छे अच्छे कर्म जितने भी धर्म है सभी में से अच्छे धर्म अच्छे कर्म को निकाल करके एक नया धर्म बनाया गया था। इसका आधार था तर्क संगत, यानी कि तर्क के आधार पर इसे माना जाता था। इस धर्म में हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन पारसी ईसाई किसी भी धर्म की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसका समावेश किया गया था। तो यद्यपि इसका मूल आधार जो है एकेश्वरवाद था, यानी एक ईश्वर यानी एक भगवान को मानना, परंतु बहुदेववाद की झलक भी इसमें होती थी, यानी बहुत सारे देवी देवता देखने को मिलता था। तर्क पर आधारित यह धर्म धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सहिष्णुता की शिक्षा देता था, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता था, यानी कि यह सबको मिला करके रखने का एक प्रेरणा देता था। लेकिन अकबर के शासनकाल में ये तो चला, बहुत ज्यादा इसमें अनुयायी भी जुड़े, परंतु जैसे जैसे अकबर की मृत्यु हो गई इसके बाद यह धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर, और मैंने आपको बता दिया ये कितने मार्क्स के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और सवालों के जवाब आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।